थीम रिलेटेड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, हमारे डिवाइस में एक न्यू थीम हमने ऐड करके रखा है जो प्रीमियम है, यानी कि आपको इसे डाउनलोड करने के लिए ऐड वगैरह देखना होगा। तो सबसे पहले जो बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लॉक का वेटेज आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि कॉल, मैसेज, कैमरा, वीचैट, म्यूजिक और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक का जो वीडियो है वो अभी टोटली चेंज हो चुका है, और यहाँ पर सेकंड जो होता है वो भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे येलो वाला पर सेकंड का हो गया, ब्लू वाला मिनट, और पिंक वाला जो होता है ये आवर का हो गया। तो इस तरह से चेंजेस आपको लॉक स्क्रीन में देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन की, तो यहाँ पे स्लाइड लेफ्ट राइट करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, बट अगर आप स्लाइड टू अनलॉक नीचे जो ऑप्शन दिया गया है करेंगे, तो ये पिन रखा है, पैटर्न रखा है या पासपोर्ट रखा है, वो सभी को आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। डिवाइस अनलॉक होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका होम पेज है आपको कुछ इस तरह सा देखने को मिलता है। प्ले स्टोर का आइकन आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, गैलरी, क्रोम, गूगल के जितने एप्लीकेशन वो सभी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा लगभग, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू और लेटेस्ट आइकन है वो आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्ले मूवीज एंड टीवीज, डुओ, फोटोज, प्ले म्यूजिक। उसी तरह से यहाँ पे स्टॉक एप्लीकेशन की बात करें तो आपको 99% यहाँ पे सभी चीजें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर, क्लॉक, एफएम रेडियो, रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्कैनर, डाउनलोड, कंपोज, सर्विस एंड फीडबैक, सिम टॉल, एमआई पे आपको इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आइकन के नीचे, सभी आइकन के नीचे थोड़ा थोड़ा आपको शेडो वगैरह देखने को मिलेगा जो अभी कैमरा में कैप्च नहीं हो रहा है, लेकिन आपको रियल में दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे डायल पैड की, तो डायल पैड आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। डायल पैड जो डिफॉल्ट पैड से बहुत ज़्यादा बढ़िया बना दिया गया है, जैसे कि आप अभी देख रहे। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की बात करें, तो नोटिफिकेशन पैनल आपको डार्क मोड पहले से ही देखने को मिलेगा, तो डार्क मोड एक्टिवेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। और हर एक ऑप्शन के नीचे आपको थोड़ा थोड़ा शेडो वगैरह देखने को मिलेगा, और ये व्हाइट, ब्लू, ब्लैक तीनों कॉम्बिनेशन में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर सेटिंग पे चलते हैं, तो सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क मोड सिर्फ और सिर्फ मिलता है, वो भी स्टॉक आइकन के साथ। आपको सेटिंग वगैरह में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत एनिमेशन में चेंजेस आया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी ज़्यादा चेंजेस हैं यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन में मिल जाता है यहाँ पे, और लॉक स्क्रीन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपने थीम स्टोर से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा थीम का नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी V11। बस सिंपली आपको सर्च बार में टाइप कर देना है क्वालिटी V11, उसके बाद आप यहाँ पे ये जो थीम है इसे आप इजीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख छोटा सा वीडियो प्रीमियम थीम के ऊपर। आगे और भी इसी तरह के थीम रिलेटेड वीडियो या कोई भी MIUI 12L, MIUI से रिलेटेड अपडेट अगर आपको देखना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए। साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है उसे भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू।